तो अभी हमने एग्जाम्पल वन करा, सिंपल सा क्या था उसमें, ओल्ड रेशियो गिवन था 3:2, न्यू पार्टनर वाज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर, कुछ मेंशन नहीं है कौन दे रहा है, ओल्ड पार्टनर्स देंगे अपने ओल्ड रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो बिकम्स द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, और फिर हमने न्यू रेशियो निकाला। अब ध्यान से देखना एग्जाम्पल टू, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड टू द फर्म, ए गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, बी गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है ए एंड बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया 3:2, सी इज एडमिटेड टू द फर्म, कितना मिल रहा है उसको पता नहीं, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ए गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, बी गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम इंपॉर्टेंट वर्ड है, कौन कितना दे रहा है, क्या गिवन है? नो सर, गिवन कौन कितना दे रहा है, गिवन नहीं है, गिवन कैलकुलेट तो करना पड़ेगा। ए गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, मैं पूछ रहा हूं कौन कितना दे रहा है, क्या गिवन है? यस सर, बिल्कुल गिवन है, सी का न्यू रेशियो गिवन नहीं है बट कैलकुलेट किया जा सकता है। यस सर, ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशियो गिवन नहीं है, वो तो कैलकुलेट करेंगे ही करेंगे, तो हमें क्या गिवन था, ध्यान से देखना बेटा, इस चीज, ये जो चीज गिवन है इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल सैक्रिफाइस, क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में, एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन है, यस और नो, ये रीड करके पता चल रहा है? यस सर, ध्यान से देखना, व्हेन द एक्चुअल सैक्रिफाइस, व्हेन द एक्चुअल सैक्रिफाइस इज गिवन, व्हेन द एक्चुअल सैक्रिफाइस इज गिवन, we must apply the following formula to calculate the new ratio. We must calculate the new ratio by using the following formula. Kya hai formula? Dhyan se dekhna. Formula hai, sorry, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वेयर ये क्या माइनस हो रहा होता है, एक्चुअल सैक्रिफाइस। फॉर्मूले में कोई डाउट? नो सर। अब एक एक करके ए का न्यू रेशियो निकालते हैं, ए का ओल्ड रेशियो क्या है, ए का ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 था इनका आपस में, 3:5 ओल्ड रेशियो था, 3/5 क्या है उसकी एक्चुअल सैक्रिफाइस, कितना दे रहा है, 1/10। यस सर, ए गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, बी गिव्स 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, ध्यान से देखना, ए एक्चुअल सैक्रिफाइस 1/10, बी का ओल्ड रेशियो क्या था, 2/5, बी कितना दे रहा है, 1/10, यस और नो? यस सर, न्यू रेशियो निकालेंगे, 10, 5 2 3 2 6 -1, 5/10, 5 2 2 4 -1, 3/10,
सी का न्यू रेशियो, सी को क्या मिल रहा है, 1/10 प्लस 1/10, उस पर थोड़ी ना हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ओल्ड माइनस न्यू, क्या वो ओल्ड पार्टनर है? नो सर, न्यू पार्टनर है, तो सी का तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं ना कि ए उसको 1/10 दे रहा है, बी 1/10 दे रहा है, तो उसको टोटल कितना मिल रहा है, 2/10, तो मैं लिख सकता हूं कि न्यू रेशियो इज इक्वल टू 5:3:2 ए बी सी, यस और नो? यस सर, यस सर। तो क्या सीखे हम, व्हेन द एक्चुअल सैक्रिफाइस इज गिवन, तो न्यू रेशियो के लिए हम क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग, सीखा ये पिछले में भी था, बट पिछले में शॉर्टकट लगा सकते थे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन है, उसको यूज करके हम न्यू रेशियो निकालेंगे। अब ध्यान से देखना, अगर मैं पूछता आपको कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, ध्यान से देखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, Using actual sacrifice, बहुत ही ईजी है, आपको लिख के करने की भी जरूरत नहीं है, बट समझने के लिए तो एक बार ही लिखेंगे ना। A कितना sacrifice कर रहा है, 1/10, A's actual sacrifice is 1/10, B's actual sacrifice is also 1/10. So sacrificing ratio A or B 1/10, 1/10. This is written as 1:1. तो अगर मैं आपसे पूछूं कि sacrificing ratio क्या है A और B में आपस में, तो that is 1:1. 1:1 मतलब दोनों equally sacrifice कर रहे हैं. Yes or no? It means yes, sir. The partners are sacrificing equally. तो फिर सर 1/10 क्या है? बेटा 1/10 उनका actual sacrifice है. वो use होता है calculation में आगे जाके. बट अगर स्टेटमेंट फॉर्म में मैं पूछूं कि अच्छा उनका आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, दैट इज 1:1. कैलकुलेशन के लिए हर जगह आप एक्चुअल सैक्रिफाइस यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है आपस में वो पता होना चाहिए, एक्चुअल सैक्रिफाइस क्या है कैसे निकाल रहे हैं वो पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल 2 का हमने, जिसमें ओल्ड रेशियो गिवन था और एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन था, तो कैसे निकाला हमने न्यू रेशियो।